हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर्थ हिंदी। हिंदी में आपके हैं चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का नेम है फिर। ठीक है, फिर इस चैप्टर के अंदर ये है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आपने तो सुनी होगी बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनी होगी, जिसमें हर कहानी में आपने सुना होगा कि भाई बादशाह अकबर का जो कोई भी समस्या जो होती है उसे उसका जो मंत्री जो होता है बीरबल, वह अपनी चतुराई से आसानी से हल कर देता है। और ये कहानियाँ बड़े ही मज़ेदार और हंसाने वाली होती है। ठीक है, ये चैप्टर भी आपके बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, हम ये चैप्टर को हम रीड करते हैं। बहुत पुरानी है, एक दिन बादशाह अकबर बहुत बीमार पड़ गए। यह बात जो है बहुत ही पुरानी है। बादशाह अकबर जो बीमार पड़ गए, उनकी बीमारी बड़ी विचित्र थी, यानी कि बहुत ही अनोखी बीमारी थी। क्या थी? उन्हें नींद नहीं आती थी। महल में वैद्य ने उन्हें तरह तरह की औषधियाँ दी, यानी कि जो बादशाह अकबर के महल में जो वैद्य यानी जो चिकित्सक जो क्या करते हैं, इलाज करते हैं, वो चिकित्सक उन्हें वैद्य कहते हैं। तो महल के वैद्य ने उन्हें तरह तरह की औषधियाँ दी, यानी कि औषधियाँ जो जड़ी बूटियों वाली जो थे, पहले यही दिया करते थे। अब अंग्रेजी दवाई जो है लोग ज़्यादा लेते हैं, लेकिन पहले जो जड़ी बूटियों वाली औषधियाँ ही दी जाती थी। परंतु उनकी हालत में कोई सुधार न हुआ। उनकी जो स्थिति थी वह वैसी की वैसी थी। कितनी भी उन्होंने औषधियाँ दी, लेकिन वह ठीक ना हुए। उन्हीं दिनों कहीं दूर देश से एक वैद्यराज आए हुए थे। और उन्हीं दिनों में क्या हुआ था कि भाई दूर देश से एक वैद्यराज यानी कि एक चिकित्सक आए हुए थे, जो पास के गांव में लोगों का इलाज करते थे। अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, उन्हें बुलावा भेजा, यानी कि मंत्रियों से कहकर उनका बुलावा भेजा, यानी कि उन्हें बुलाया। वैद्यराज ने बादशाह अकबर की जांच की और एक उपाय बताया। यानी कि वैद्यराज जो थे चिकित्सक, उन्होंने अकबर को देखा, चेक किया और उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, आप रोज रात को सोने से पहले एक कहानी अवश्य सुना करें। इससे आपको नींद आ जाएगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ भी होने लगेंगे। उन्होंने बहुत ही आसान उपाय बताया कि भाई आप जब रात को रोज सोओगे तो आपको सोने से पहले एक कहानी सुननी है, जिससे आपको नींद आ जाएगी और आप धीरे धीरे ठीक होने लगोगे, आपका स्वास्थ्य जो है ठीक हो जाएगा। बादशाह अकबर बोले, लेकिन मुझे रोज कहानी सुनाएगा कौन? तभी बीरबल बोल उठे, जो उनके मंत्री है बीरबल, वे बोल उठे, हुजूर आप चिंतित न हो, यानी कि आप टेंशन ना ले, दरबारी कब काम आएंगे? दरबारी आपको पता है, जो राजा के दरबार में जो सैनिक वगैरह और गेट पर खड़े रहते हैं दरबारी, ये कब काम आएंगे? उनमें से रोज कोई ना कोई आपको आपके पास आ जाएगा और आपको कहानी सुना दिया करेगा। कभी कभी मैं भी आपको कहानी सुनाने आ जाऊंगा। अकबर को बीरबल की यह योजना बहुत पसंद आई। ये जो योजना जो थी अकबर को बहुत ही अच्छी लगी कि भाई हाँ ठीक है, दरबारी आया करेंगे रोज कहानी सुनाने, और कभी बाद में तुम भी आ जाना। अब रोज एक दरबारी बादशाह अकबर को कहानी सुनाने के लिए आने लगा, लेकिन यह योजना सफल नहीं हुई। रोज एक दरबारी आता और राजा को कहानी सुनाता, लेकिन ये जो योजना जो थी सफल नहीं हुई, यानी कि कुछ भी राजा को असर ना हुआ, राजा को नींद तो आई ही नहीं। दरबारी कहानी सुनाते सुनाते थक जाते, पर अकबर को नींद ना आती।
दरबारी भी इस कहानी सुनाते सुनाते सो जाते, लेकिन अकबर को नींद नहीं आई। बादशाह अकबर जागते रहते और पूछते, फिर दरबारी उत्तर न देकर स्वयं ही ऊँगने लगते। अकबर जो थे हर एक लाइन के बाद में पूछते, फिर जैसे छोटे बच्चे पूछते ना, फिर क्या हुआ, वैसे ही बादशाह जो है दरबारी को बार बार पूछते, फिर। लेकिन दरबारी उत्तर ना देकर खुद ही सोने लगते। अंत में बीरबल की बारी आई। जब लास्ट में बीरबल की बारी आई, उसने अकबर को कहानी सुनाना शुरू किया अकबर को। एक जंगल था। फिर अकबर ने पूछा, फिर बादशाह अकबर ने कहा, फिर जंगल में एक झोपड़ी थी। उसमें एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक किसान था जो अपने फैमिली के साथ रहता था। फिर बादशाह अकबर ने पूछा, फिर लेकिन कुछ चिड़िया उसकी झोपड़ी में घुस जाती और एक एक दाना लेकर उड़ जाती। फिर अकबर ने पूछा, फिर बीरबल बादशाह अकबर की फिर से तंग आ गया। क्या हुआ? बीरबल जो था अकबर जब बार बार पूछ रहे थे, फिर हर लाइन के बाद पूछते थे, फिर जैसे ही बीरबल थोड़ा बोलते वे पूछते फिर, तो यह सारी बात से फिर से तंग आ गया। कौन? बीरबल। कैसे तंग आ गया? जो बार बार बादशाह पूछते थे फिर उससे। अब तो कुछ करना पड़ेगा बीरबल ने सोचा। परेशान हो गया इनके फिर से। ठीक है, फिर बीरबल ने कहा, किसान एक मिट्टी का घड़ा ले आया और उसमें सारा अनाज भर दिया। जो अनाज जो था ना, जो चिड़िया उसकी झोपड़ी से लेके जाती थी, उस अनाज को क्या किया किसान ने, एक मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें सारा अनाज भर दिया। उसने अनाज भरकर घड़े का मुंह एक कपड़े से बंद कर दिया। घड़े का जो मुंह होता है उसको कपड़े से ढककर बंद कर दिया। फिर बादशाह अकबर बोले, फिर अब चिड़िया जब भी आती तो दाना न चुग पाती। चिड़िया आती तो वो घड़े का मुंह जो कपड़े से बंद था तो आती और दाना जो था घड़े के अंदर वो नहीं चुग पाती। फिर एक चिड़िया जंगल से अपने सबसे प्रिय मित्र चूहे, देखो यहाँ पे फिर बादशाह अकबर ने बोला फिर, यानी कि पूछा। एक चिड़िया जंगल से अपने सबसे प्रिय मित्र चूहे को बुला लाई। जो चिड़िया जो थी वो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को लेकर आई जंगल से। फिर बादशाह अकबर ने पूछा, फिर चूहे ने अपने दांतों से कपड़ा कुतर दिया, जो घड़े के ऊपर जो कपड़ा लगा था चूहे ने उसको कुतर दिया। अकबर बोले, फिर अब एक एक कर बहुत सी चिड़ियाँ यहाँ आने लगी। एक आती और दाना लेकर फुर से उड़ जाती। दूसरी आती, वहाँ भी दाना लेकर फुर से उड़ जाती। फिर अकबर ने पूछा, फिर तीसरी चिड़िया आती, दाना लेकर फुर से उड़ जाती। अकबर ने पूछा, फिर चौथी आती, दाना लेकर उड़ जाती। पांचवी आती, दाना लेकर उड़ जाती। राजा अकबर उबने लगे, बोले अभी कितनी चिड़िया उड़नी बाकी है। यानी कि राजा अकबर जो थे वो भी बोर होने लगे और बोले कि अब कितनी चिड़िया आनी बाकी है। बीरबल ने कहा, हुजूर अभी तो 5 ही उड़ी है। यहाँ तक बताया था ना 5, तो 5 ही उड़ी है। वहाँ हजारों चिड़ियाँ आती थी और फिर एक एक करके उड़ने में देरी तो लगती ही है ना। तो ऐसा बीरबल ने कहा। अकबर जमाई लेते हुए बोले, बस
बस बीरबल अब तुम जाओ। यानी कि अकबर भी सुन सुनकर बोर हो गए, बोले कि भाई अब तुम जाओ, कल आना, मुझे बहुत नींद आ रही है। बीरबल मन ही मन प्रसन्न होने लगे, यानी कि बीरबल मन ही मन में खुश होने लगे कि अगले दिन जब बीरबल बादशाह अकबर को देखने के लिए पहुँचे तो अकबर ने उनसे कहा, बीरबल कल रात तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत गहरी नींद आई। बीरबल बोला, फिर दोनों खिलखिल कर हंसने लगे और दोनों ही खुश खुश होकर हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। जब बीरबल ने राजा को अकबर को पूछा, फिर नींद आई, फिर तो ऐसे करके दोनों को हंसी आ गई। तो ये भी जो है इतनी ये कहानी आपको भी फिर सुनकर मज़ा आया होगा, क्योंकि बादशाह अकबर को नींद नहीं आ रही थी और बीरबल जो थे बहुत ही चतुराई से एक कहानी सुनाई, और जिससे अकबर जो है बोर होने लगे और उनको नींद आ गई। यह कहानी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई बादशाह अकबर और बीरबल की जो कहानियाँ हैं किससे जो है बहुत ही मज़ेदार होते हैं, और आप भी सुनोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हर एक कहानी में बीरबल की चतुराई, यानी कि उसकी चतुराई के बारे में बताया जाता है कि हर एक जवाब कैसे अकबर की हर एक बात का जवाब बीरबल के पास होता था, जिससे वह अकबर की परेशानी का हल ढूंढ निकालते थे। ठीक है, ये आपके चैप्टर हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसके शब्दार्थ हैं जो आप पेज नंबर 25 पर है, विचित्र यानी अनोखा, वैद्यराज यानी चिकित्सक, औषधि, जड़ी बूटी, हालत, दशा, स्थिति जो भी, अवश्य, जरूर, स्वस्थ, तंदुरुस्त, योजना, तरकीब, प्रिय, प्यारा, ये आपको कॉपी में करना है और इस कहानी को वापस पढ़ना है। और आपको और भी कहानियाँ बादशाह अकबर और बीरबल की ढूंढ कर पढ़नी है। ठीक है, ओके।